नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दंगों की आग में झुलसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब तनाव भरी शांति। मौजपुर इलाके में घरों से निकले लोग, पुलिस बल तैनात। हिंसा प्रभावित इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। सीलमपुर के भीड़भाड़ इलाके में अभी भी पसरा हुआ है सन्नाटा। दंगाइयों के साथ दिखे ताहिर हुसैन पर हत्या का मामला दर्ज। आम आदमी पार्टी ने पार्षद ताहिर को किया सस्पेंड। वायरल वीडियो में घर की छत पर हाथ में लाठी लिए दिखे ताहिर। छत से नीचे की तरफ पत्थर फेंकते हुए देखे गए कई युवक। दिल्ली हिंसा में भीम आर्मी समर्थकों की ओर से हुआ था पथराव। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की जांच में हुआ खुलासा, मिले सबूत। दिल्ली बवाल में गोली चलाने वाला शाहरुख अभी भी फरार। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें तलाश में जुटी। दिल्ली हिंसा में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 38। पुलिस ने दर्ज की 48 FIR, 130 लोगों को किया गिरफ्तार। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के बाद नाले में मिली तीन और लाशें। मारने के बाद जलाकर फेंकने का पुलिस ने जताया शक। शाहीनबाग में 1 मार्च को जुटने वाली भीड़ पर पुलिस की बैठकें जारी। भीड़ की आशंका के चलते पैरामिलिट्री फोर्स हो सकती है तैनात। एनपीआर एनआरसी के बहाने तेजस्वी ने अमित शाह पर बोला हमला। का बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया बड़ा झटका। नागरिकता कानून पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। का जो गांधी नेहरू इंदिरा नहीं कर सके वो मोदी ने कर दिखाया। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2800। 50 देशों में संक्रमण की चपेट में 82,000 से ज्यादा लोग। ईरान में कोरोना वायरस से 26 लोगों की मौत। उपराष्ट्रपति भी संक्रमित। बलूचिस्तान और सिंध में सभी शिक्षण संस्थान किए गए बंद। भुवनेश्वर में पूर्वी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल के प्रतिनिधि होंगे शामिल। आर्थिक और सामाजिक योजना के मुद्दे पर होगा विचार विमर्श। अखिल भारतीय स्वतंत्र वीर सावरकर साहित्य सम्मेलन में बोले गडकरी, 5000 साल के इतिहास में कभी किसी हिंदू राजा ने नहीं तोड़ी मस्जिद। पंजाब की अमरिंदर सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी बजट। खजाना खाली होने के बाद भी हो सकती है बड़ी घोषणाएं। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को 180 चैनलों पर लगभग 4.5 करोड़ लोगों ने देखा। टेलीविजन रेटिंग एजेंसी BARC ने उपलब्ध कराया आंकड़े। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार की बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। का भ्रष्टाचारियों को पकड़वाओ और 5 लाख का इनाम पाओ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने औरंगाबाद में लगाए पोस्टर। अवैध प्रवासियों की सूचना देने वालों को मिलेगा 5000 का इनाम। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से 2000 से अधिक लोग संक्रमित। रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार दाएगू शहर में पाए गए सबसे ज्यादा मामले। मानहानि मामले में रांची हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी नसीहत। मोदियों को चोर बताने के मामले में व्यक्तिगत पेशी से दी छूट। भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकता है विशाल व्यापार करार। चीन की तर्ज पर दोनों देश शीघ्र कर सकते हैं समझौते पर हस्ताक्षर। बघेल ने टोकन मिलने वाले किसानों का जल्द धान खरीदने का किया ऐलान। बोले 2500 प्रति क्विंटल धान की कीमत देगी छत्तीसगढ़ सरकार। पाक द्वारा उठाई गई मानवाधिकार चिंताओं पर भारत का करारा जवाब। का दूसरों को ज्ञान देना बंद कर रोकें आतंकवाद का घातक पोषण। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागरिक अनुशासन को बताया महत्वपूर्ण। बोले समाज को संगठित कर मानवता वाले विश्व का करना होगा निर्माण। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता खत्म। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव विधानसभा ने जारी की सूचना। डिजिटल तरीके से भूमि रिकॉर्ड तैयार करने में शीर्ष पर मध्य प्रदेश। ओडिशा को दूसरा और महाराष्ट्र को मिला तीसरा स्थान। सरकार जल्द पंजीकृत करेगी 10,000 कृषि उत्पादक संगठन। सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ाई योजना। स्मृति ईरानी ने रिटेल अवार्ड समारोह में बताई खुद की कहानी। बोली मैकडोनाल्ड की शुरुआती नौकरी में किया था झाड़ू पोछा वाला काम। कन्हैया कुमार की जनगण मन यात्रा का हुआ समापन। पटना रैली में मेधा पाटकर, तुषार गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद। नफरत भरे भाषण देने के आरोपों पर कपिल मिश्रा ने किया पलटवार। बोले लोग मुझसे पूछ रहे सवाल, देश तोड़ने की बात करने वालों से नहीं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने शुरू की BS6 पेट्रोल डीजल की आपूर्ति। कंपनी ने 1000 करोड़ में बनाया है डीजल हाइड्रो ट्रीटर संयंत्र। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में खुलेंगी विदेशी शराब की विशेष दुकानें। नई आबकारी नीति घोषित करने के बाद दिए जाएंगे लाइसेंस। दिल्ली हिंसा में प्रभावित छात्रों के लिए केजरीवाल ने किया ऐलान। बच्चों को मुफ्त में किताब और पोशाक मुहैया कराएगी दिल्ली सरकार। RJD के साथ नजदीकियों को JDU के बिहार अध्यक्ष ने किया खारिज। बोले हम राजग के साथ मजबूती से खड़े। सभी खबरें अब्बा। ताहिर पार्षद को लेकर मनोज तिवारी ने आप पर साधा निशाना। बोले उसके आका को भी मिलनी चाहिए सजा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को लेकर वित्त मंत्री ने बैंकों को दिया निर्देश। का 1 लाख लंबित आवेदनों पर 15 मार्च तक करें निस्तारण। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में DGP ने किया बड़ा बदलाव। ताबड़तोड़ वारदातों के बाद 7 ACP के किए गए तबादले।
विंटेज महिला कार रैली का आज लखनऊ में होगा आयोजन। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए होगी महिला कार रैली। राजस्थान के छात्र संघ दफ्तर का सीएम गहलोत आज करेंगे उद्घाटन। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कैंपस में तैयारी हुई पूरी। झारखंड विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो और सीएम सोरेन ने की बैठक। पीएम किसान निधि योजना की पश्चिम बंगाल में नहीं हुई शुरुआत। सीएम ममता की मोहर लगने पर 10,000 किसानों को मिलेगा लाभ। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हिंसा पीड़ितों के लिए शुरू की सेवा। ट्रकों से लाई गई दवा और खाने की सामग्री को लोगों में बांटा। कमलनाथ सरकार ने और रक्षा महोत्सव के लिए पीएम मोदी को भेजा न्योता। प्रधानमंत्री ने की नमस्ते और रक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील। दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया T20 के बाद ICC ने जारी की रैंकिंग। KL राहुल दूसरे और कप्तान विराट कोहली 10वें स्थान पर बरकरार। महिला T20 विश्व कप में एलिसा और बेथ ने खेली तूफानी पारी। एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 86 रन से दी मात। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने 20 ओवर में एक विकेट पर बनाए 189 रन। जवाब में 103 रन पर ही सिमट गई बांग्लादेश की पूरी टीम। बुमराह की फॉर्म पर दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव का बड़ा बयान। का चिंता की जरूरत नहीं, एक अच्छे स्पेल से पकड़ लेंगे। अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से बाहर हो चुके धोनी पर बोले कपिल। का T20 विश्व कप के लिए धोनी को खेलने होंगे और मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।